डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो जो फर्मेंटिव एक्टिविटी है, यानी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है जिसको माइक्रोब्स जो हैं वो कैरी करते हैं, तो ये जो फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स है, इट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से या फर्मेंटेशन एक्टिविटी जो वो परफॉर्म करते हैं उसकी हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं डिफरेंट काइंड की, फिर इसके अलावा कोई ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो इन डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर होती है बाय द फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग। देखो, अल्कोहल का मतलब यहां इथाइल अल्कोहल से है, इथेनॉल से है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो बियर एंड वाइन, इन दो की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स की फर्मेंटिव एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है इन दी वाइन इंडस्ट्री। डिफरेंट स्पीशीज हैं यीस्ट की, जिसको ब्रूअर्स यीस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज उसमें सैक्रोमाइसिस सर्बिसिए, तो ये सर्बिसिए स्पीशीज जो है मेनली, इसके अलावा सैक्रोमाइसिस एलिप्सॉइडेंस, ये सेकंड स्पीशीज आ गई एलिप्सॉइडेंस, एंड सैक्रोमाइसिस सेक। तो ये अलग अलग तरह की यीस्ट की, ब्रूअर्स यीस्ट की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि फर्मेंटेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की करवा के बियर और वाइन की प्रोडक्शन करवाती हैं इन दी वाइन इंडस्ट्री। इसमें फर्मेंटेशन कौन से प्रोडक्ट्स की, तो जैसे पटेटो की फर्मेंटेशन, बार्ले, राइस, इस तरह के जो डिफरेंट काइंड के सीरियल क्रॉप्स हैं तो उनके ग्रेन्स की फर्मेंटेशन, फिर कैश्यू नट्स की फर्मेंटेशन, इसके अलावा फर्मेंटेशन जो है मोलेसिस, जो शुगर केन इंडस्ट्री का बेस्ड होता है मोलेसिस, तो उसकी फर्मेंटेशन। और फिर ये अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जब फर्मेंटेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ यीस्ट, तो डिफरेंट काइंड की बाइन या डिफरेंट काइंड के जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्मेंटेशन ऑफ पटैटो इज डन, देन दी एल्कोहलिक प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड बाई दी फर्मेंटेशन ऑफ पटैटोज, उसको बोडका बोलते हैं। बोडका, VODAKA, बोडका। ऐसे ही डिफरेंट काइंड के, जैसे मैंने मोलासिस की बात की है शुगर केन इंडस्ट्री की जो बेस्ड है, उसकी फर्मेंटेशन करवाते हैं तो उससे प्रोडक्शन होती है रम की। तो अलग अलग तरह के जो ये अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी फर्मेंटेशन यीस्ट की डिफरेंट स्पीशीज की हेल्प से होती है, लेकिन किस प्रोडक्ट की फर्मेंटेशन करवा रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर वो फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट की टाइप होगी। नेक्स्ट है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बियर है, बाइन है, या डिफरेंट काइंड के हार्ड लीकर्स होते हैं, तो ये थ्री डिफरेंट काइंड के जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बेसिकली होता है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल का। जो बियर है ये बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले से तैयार होती है, फर्मेंटेशन ऑफ बार्ले, और इसमें अल्कोहलिक कंटेंट जो है वो 3 से 6% के करीब होता है, 3 से 6%। जबकि बाइन जो हैं उनके अंदर जो परसेंटेज होती है अल्कोहल की, अल्कोहल मींस
इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, तो उसकी परसेंटेज जो है वो वाइन के अंदर 9 to 12%, जबकि बाकी के जो हैं, जो ये नीचे अलग अलग नाम दिए हुए हैं, इनमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कहीं ज्यादा है। और ये जो जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो है वो बियर और वाइन के मुकाबले कहीं ज्यादा है, इनको हम हार्ड लीकर्स बोलते हैं, हार्ड लीकर्स। और इनके अंदर जैसे जिन, तो जिन के अंदर 40% अल्कोहल, रम के अंदर 40% अल्कोहल, ब्रांडी के अंदर 60 to 70% इथाइल अल्कोहल होता है, जबकि एक रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होती है, स्पिरिट के अंदर 95%, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है उसके अंदर कितना है, 95% इथाइल अल्कोहल होता है, जबकि एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 100% इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस होगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जिनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल है, उनको हम हार्ड लीकर्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो हैं ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर होते हैं वाइन इंडस्ट्री के अंदर, ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ यीस्ट। अब आते हैं कि जब ये इनकी प्रोडक्शन होती है वाइन इंडस्ट्री के अंदर, तो प्रोडक्शन किस तरीके से होती है। एक वाइन इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं, या जिनको बायो रिएक्टर्स बोलते हैं, बायो रिएक्टर्स, या इनको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स, फर्मेंटर्स। तो ये जो बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स होते हैं, ये लार्ज वेसल्स होते हैं जिनकी कैपेसिटीज 1000 लीटर से ऊपर की होती हैं। इनमें पर्टिकुलर पीएच के ऊपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, यानी डिफरेंट कंडीशंस को मेंटेन करते हुए वेरियस माइक्रोब्स को ग्रो करवाया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे पोटैटोज के ऊपर, बार्ले के ऊपर, सीरल्स के ऊपर, या मोलेसिस के ऊपर, डिफरेंट काइंड के जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, इवन जूसेस के ऊपर। तो अलग अलग तरह के जो ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर इन बायोरिएक्टर्स में स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन करते हुए माइक्रोब्स को, यानी यीस्ट की डिफरेंट स्पीशीज को ग्रो करवाया जाता है। एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दे कैरी द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन डेफिशिट कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं, और उसके ऊपर फर्मेंटेशन होती है, और उस फर्मेंटेशन के कारण ये डिफरेंट काइंड के अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो हैं उन बायोरिएक्टर्स में बनते हैं। अब जब ये बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट बन गए, यानी डिफरेंट काइंड के ये अल्कोहल, तो उनके साथ साथ कई बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कई और चीजें भी बनती हैं। यानी अल्कोहलिक इंडस्ट्री के अंदर, वाइन इंडस्ट्री या ब्रूइंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे, बल्कि उनके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट्स कह देते हैं, जैसे ब्यूटानॉल यानी ब्यूटाइल अल्कोहल, एन प्रोपेनॉल यानी प्रोपाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल, पायरूबिक एसिड, ग्लिसरॉल, एस्टिक एसिड, इस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इन बाई प्रोडक्ट से आगे कई किस्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बनते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो सीधा भी इनका यूज होता है, और इनको आगे फर्दर मॉडिफाई करके जो है इनसे कई किस्म के और प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये तो बात हुई इसके बारे में, अल्कोहलिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनके अंदर माइक्रोब्स का यूज। नेक्स्ट है सेकंड, माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, पहली तो बात एंटीबायोटिक टर्म जो थी वो वाक्समैन ने दी थी 1942 में। हालांकि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो थी पेंसिलीन। पेंसिलीन जिसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं, और इसकी जो डिस्कवरी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और उसने इसको बनाया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम एक फंगस है, एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, यानी सैक फंजाई जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका मेंबर है, और पेनिसिलियम की स्पीशीज है नोटेटम स्पीशीज, उससे एक ड्रग तैयार की थी, एक एंटीबायोटिक तैयार की थी पेंसिलीन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जब वो इसको लकीली उसने अप्लाई किया स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स के ऊपर, तो पेंसिलीन के इफेक्ट के कारण इन बैक्टीरिया की डेथ होनी शुरू हो गई, वहां से इसकी डिस्कवरी जो है वो हुई। और ये आगे जो है वर्ल्ड वार के दौरान इसका जो इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी क्योर में इसका खूब इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन जो एंटीबायोटिक टर्म थी वो वाक्समैन ने दी थी 1942 में, जबकि पेंसिलिन की प्रोडक्शन जो है या डिस्कवरी जो है वो फ्लेमिंग ने 1928 में करवाई थी, और एंटीबायोटिक टर्म वाक्समैन ने 1942 में दी। रिसेंटली 7,000 से ऊपर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो नोन हैं, और इनमें से भी 300 पर डे, लगभग 300 सॉरी पर ईयर 300 एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पर ईयर नई डिस्कवर हो जाती हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं, कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज है ग्रेसियस, इससे 40-41 डिफरेंट काइंड की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो प्रिपेयर की गई हैं। ऐसे ही बैसिलस सबटैलिस, ये एक बैक्टीरियम है बैसिलस सबटैलिस, उससे 60 एंटीबायोटिक्स जो हैं वो तैयार की गई हैं। अब यहां से एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, जैसे पेंसिलीन पेनिसिलियम से और स्ट्रेप्टोमाइसिस ये बैक्टीरियम है, रे फंजाई है बेसिकली, बैसिलस सबटैलिस ये भी बैक्टीरियम है, तो इनसे डिफरेंट काइंड की एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं। फंगस, रे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? ये बेसिकली माइक्रोब्स हैं, तो डिफरेंट काइंड के माइक्रोब से एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर हो रही है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स हैं क्या। एंटीबायोटिक्स जो हैं दीज आर दी केमिकल्स और दीज आर दी सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, जो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स की एक्टिविटी से प्रोड्यूस की जाती हैं, एंड दे एक्ट अगेंस्ट दी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, ये डिजीज पैदा करने वाले माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ती हैं, एक्ट करती हैं इन माइन्यूट क्वांटिटीज, यानी बहुत कम क्वांटिटी में भी ये जो है ये एक्ट करती हैं अगेंस्ट दी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स आर दी केमिकल्स और सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड दे एक्ट अगेंस्ट दी डिजीज काजिंग पैथोजेंस। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये आगे दो किस्म की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होती है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शंस को, नंबर ऑफ डिजीजेस को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, या नंबर ऑफ पैथोजेंस को किल करवा सकें, तो उन्हें बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होती हैं विच फाइट अगेंस्ट दी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैथोजन। तो ये दो कैटेगरीज जो हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये दो तरह की होती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके अलावा कि एक्शन की बात करें,
एक्शन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और स्पेसिफिक, एक चीज साथ में आती है कि एक एंटीबायोटिक्स होती हैं बैक्टीरियाइडल, बैक्टीरियाइडल और एक होती हैं बैक्टीरियास्टैटिक। बैक्टीरियाइडल होती हैं दोज एंटीबायोटिक्स जो क्या करें, जो बैक्टीरिया की किलिंग करें, जो बैक्टीरिया को किल करवा दें, डिजीज काजिंग बैक्टीरिया को किल करवाने की जिनमें टेंडेंसी हो, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियाइडल। और दूसरी है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक यानी दोज एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो इनहिबिट करें उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो दो तरीकों से ये एक्शन करती हैं, कुछ बैक्टीरियाइडल होती हैं और कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर की होती हैं। अब आते हैं कि एक गुड एंटीबायोटिक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं, एक अच्छी जो है एंटीबायोटिक उसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं। तो एक तो फीचर ये कि वो एंटीबायोटिक जो है उसको हम गुड मानेंगे, उसको अच्छा मानेंगे जो कि क्या होगी, हार्मलेस टू होस्ट, हार्मलेस टू होस्ट। हार्मलेस टू होस्ट का मतलब क्या है कि जो पर्सन एंटीबायोटिक को ले रहा है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट उसका पैदा ना हो, बल्कि सिर्फ पैथोजन को किल करने की टेंडेंसी उसमें हो, हार्मलेस टू होस्ट। दूसरा है कि एंटीबायोटिक जो है साइड इफेक्ट के साथ साथ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम नेचर हो उसकी, उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो नंबर ऑफ पैथोजेंस को कवर करने वाली हो, नंबर ऑफ पैथोजेंस के ऊपर अटैक करने वाली हो, ताकि एक एंटीबायोटिक से डिफरेंट काइंड के इन्फेक्शंस जो है वो बॉडी के अंदर खत्म हो सकें। फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कई यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रोफ्लोरा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। बहुत से बैक्टीरिया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में खास तौर पे इंटेस्टाइन वाले हिस्से में ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए डिफरेंट काइंड के विटामिन्स बनाते हैं। तो ये जो डिफरेंट काइंड के विटामिन्स मैन्युफैक्चर करने वाले बैक्टीरिया हैं जिनमें ई कोलाई वगैरह की हम बात करते हैं, तो ये माइक्रोफ्लोरा जो होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का यूजफुल माइक्रोफ्लोरा, उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर ना डालें यानी उनको किल ना करवाएं। तो हार्मलेस टू यूजफुल, यूजफुल माइक्रोफ्लोरा, माइक्रो फ्लोरा ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो, या गट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो यूजफुल माइक्रोफ्लोरा है, यूजफुल बैक्टीरिया हैं, उनको ये किल ना करवाए, उनके ऊपर ये हार्मलेस हो। तो ये कुछ गुड करेक्टर्स हैं। और क्विक एक्शन, एक और कि ये नहीं कि एंटीबायोटिक आज ली है तो उसका बड़े लंबे समय के बाद असर हो, तो क्विक एक्शन भी होना चाहिए, क्विक एक्शन, एक्शन जो है वो उसका क्विक होना चाहिए। तो ये एक गुड एंटीबायोटिक के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब इसके बाद है लिमिटेशंस, एंटीबायोटिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली लिमिटेशंस तो यही है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सारे के सारे पैथोजन के अगेंस्ट वर्क नहीं करती, एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। मोस्ट ऑफ दी वायरल डिजीजेज जो हैं या मोस्ट ऑफ दी वायरसेस के खिलाफ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो कोई रोल प्ले नहीं करती। यही कारण है कि ज़्यादातर वायरल डिजीजेज जो हैं वो इन्फेक्शियस बन जाते हैं, वो आगे से आगे ज़्यादा स्प्रेड करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एंटीबायोटिक्स उतनी कारगर नहीं होती। तो पहली तो लिमिटेशन यही आ गई कि ऑल दी एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। दूसरा हम क्या देंगे कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो, सेकंड लिमिटेशन जो है
कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो हैं दे आर डिजीज स्पेसिफिक, दे आर पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन स्पेसिफिक, ज्यादातर पैथोजन स्पेसिफिक हैं, खास पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करती हैं, यानी कि स्पेसिफिक हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है ज्यादातर, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है, वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं कर रही, ये भी एक लिमिटेशन है। फिर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट भी हैं, साइड इफेक्ट्स, ये तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या लिमिटेशंस हैं एंटीबायोटिक्स की। और जो है एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हम ये भी कह सकते हैं, साइड इफेक्ट की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि वैसे भी साइड इफेक्ट पैदा करते हैं, और दूसरा अगर सेल्फ मेडिकेशन हो जाए, यानी कि बिना किसी प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या सलाह के हम अपने आप ले लें, तो इसकी कई बार कम या ज़्यादा डोज जो है वो भी हार्मफुल हो सकती है, उससे भी कई साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर पैदा हो सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला जो आता है कि यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेस के खिलाफ जो है एंटीबायोटिक्स जो है उनका यूज होता है। एक तो एंटीबायोटिक्स का यूज कहाँ है, अगर मैं यूजेस की बात करूं तो एंटीबायोटिक्स का यूज है अगेंस्ट अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस, खास करके बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस, इनके खिलाफ। दूसरा इसका यूज जो आ जाता है दैट इज प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन ऑफ मीट एंड अदर सच फूड प्रोडक्ट्स, उनकी प्रजर्वेशन के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। फिर केन्ड फूड आर्टिकल्स, डिब्बाबंद जो खाने वाली चीज़ें हैं केन्ड फूड, उनको भी प्रजर्व करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो किया जाता है। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट फॉर एनिमल्स, स्पेशली जो पोल्ट्री वर्ड्स होते हैं, पोल्ट्री वर्ड्स जो हैं उनमें फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है अलग अलग तरह के ये यूजेज आ गए। और लास्ट में मैं एक ही बात इसके बारे में बोलूँगा, दैट इज जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जुडिशियस यूज ऑफ एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, सप्लीमेंट। जुडिशियस यूज का मतलब है कि एंटीबायोटिक्स जो है, जैसे पहले यहां पे मैंने साइड इफेक्ट के बारे में जब बात कर रहा था तो मैंने बोला कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रॉपर फिजिशियन। अगर कोई डॉक्टर, कोई फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है कितनी क्वांटिटी किसी एंटीबायोटिक की लेनी है, कितनी डोज लेनी है और कितने टाइम के लिए लेनी है, तो उसकी सलाह के साथ ही एंटीबायोटिक्स जो है वो लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इन केस ऑफ एनी मेडिसिन एंड पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स जो है वो नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से अगर हम लेते हैं तो फिर उसको बोलेंगे ज्यूडिशियस यूज। तो जितना उसका सही यूज है वो एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज इस तरीके से करना। लास्ट में हमारे पास आता है कि दो तरह की चीजें होगी, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होंगे, एंटीबायोटिक्स होगी, और इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनका यूज जो है वो तरह तरह के केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में भी हम कर सकते हैं। तो ये हम फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।